क्या होगा? अरे हम अपनी मांगे कैसे लेंगे? अपनी मांगे कैसे लेंगे? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कानून का उल्लंघन बंद करो, बंद करो। श्रम कानून का उल्लंघन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप किसान भवन परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बेनीपट्टी इकाई की बैठक हुई, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर 25 मार्च को पटना में बिहार विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मौजूद यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए अब हम सभी लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। यह निर्णायक लड़ाई में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा घेराव और प्रदर्शन के दौरान अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो 28-29 मार्च राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी आहूत किया जाएगा। मौके पर मौजूद संरक्षक लोकनाथ झा, सेविका विभा देवी, निक्की कुमारी, अफरोजा खातून, रवीना खातून, नीरो देवी, रीना कुमारी, मोहसिना खातून, आशा देवी, बीना झा, सुनीता दत्त, पिंकी कुमारी, स्मिता कुमारी, श्याम सहनी, विनीता देवी, सरोज देवी, रेणु देवी, संजय महतो, प्रतिभा कुमारी, कुमारी सरस्वती, संजू कुमारी, अनीता देवी, खुशबू कुमारी, कल्पना देवी, अभिभाव पंकज चौधरी व राम विलास ठाकुर सहित अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत में मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का जिला महासचिव शबनम झा। ये एक दिवसीय बैठक हम लोग 25 तारीख को जो विधानसभा का घिराव पूरा पटना को अस्त व्यस्त करने का प्रोग्राम के लिए रखे हुए हैं, जिसमें सरकार को ये सेविका का पावर बताना है। और यदि 25 तारीख को सरकार हमारी बात नहीं मानी, हमको राजकर्मी वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा, मुख्य यही तीन मांग है, और 21 मांग के समर्थन में हम लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यदि 25 को सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो 28 और 29 को पूरे देश स्तर पर हम पूरा देश को अस्त व्यस्त करेंगे और इस आंदोलन को धारदार बनाते हुए आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रोग्राम बनाएंगे। जय सेविका, जय सहायिका, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।